हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको ज़्यादा नमक खाने के नुकसान के बारे में। वैसे नमक तो बहुत ही ज़रूरी है बॉडी के लिए, लेकिन उसे अगर लिमिट में खाया जाए तब। अगर जो लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, जैसे खाना बन गया, उन्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा है और ऊपर से नमक डाल डाल के खा रहे हैं, तो उनके लिए आज का वीडियो है कि आप लोग ऊपर से नमक डाल डाल के ना खाएं। जितना नॉर्मल है, हल्का है अगर, तो उसे हल्का ही रहने दें। तो आज के नुकसान के बारे में जानकर आप लोग में से बहुत से लोग ज़्यादा नमक खाना बंद कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, बने रहिए मेरे वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं ज़्यादा नमक खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। अगर आप भी ज़्यादा नमक खा रहे हैं तो सचेत हो जाएं और उसे बिल्कुल नॉर्मल कम मात्रा में लेना शुरू कर दें। हालांकि जो ज़्यादा नमक खाते हैं, तेज़ नमक जिनको पसंद होता है, उनको कम नमक में स्वाद नहीं आता है, लेकिन आपको अपनी सेहत को देखते हुए थोड़ा सा नमक कम कर ही देना चाहिए। तो ज़्यादा नमक खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं देखते हैं चलिए। अगर आप ज़्यादा नमक खा रहे हैं तो बिल्कुल सचेत हो जाएं। ज़्यादा नमक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। ज़्यादा नमक खाने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने की शरीर की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा नमक खाने से रोग प्रतिरोधक तंत्र का हिस्सा कमज़ोर हो जाता है और ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, और ब्लड प्रेशर से और भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो मैं अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ज़्यादा नमक खाने से हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा नमक कैल्शियम के स्तर को कम कर देता है और हड्डियां कैल्शियम से ही मजबूत बनती हैं। और ज़्यादा नमक खाने से किडनी पर भी प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा नमक के सेवन से किडनी पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। ज़्यादा नमक के सेवन से किडनी फेल्योर की समस्या भी हो जाती है। और ज़्यादा नमक से पेट की लाइनिंग यानी पेट की दीवारों को भी डैमेज होने का खतरा रहता है। और जो मैं बता रही थी कि ब्लड प्रेशर भी तेज़ होता है ज़्यादा नमक से, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से किडनी डैमेज होगी, हार्ट अटैक का खतरा होगा और ब्रेन के अंदर स्ट्रोक की भी समस्या बढ़ेगी। तो ज़्यादा नमक कहीं से भी खाना ठीक नहीं है, क्योंकि तेज़ नमक से सोडियम बढ़ जाता है तो ज़्यादा पानी होल्ड करता है। सोडियम हमारे शरीर में ज़्यादा पानी होल्ड करने लगता है, और पानी शरीर में ज़्यादा होल्ड होने से इससे शरीर में सूजन भी हो सकती है। और नमक खाने से ज़्यादा प्यास लगती है और फिर आप बहुत ज़्यादा पानी पीने लगते हैं। शरीर में नमक ज़्यादा हो जाए और पानी आप ना पियो तो शरीर के अलग अलग सेल्स से वो पानी खींच लेता है, क्योंकि पानी को तो अपनी ज़रूरत पूरी करनी है और शरीर बॉडी अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, कहीं से भी पानी लेगा। तो इससे क्या होगा, ब्रेन के अंदर से भी पानी खींच लेगा, तो झटके आना, भूल जाना, याददाश्त का कमज़ोर होना, ये सब समस्याएं आपको होने लगेंगी। तो जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं वो लोग अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं, उनका ज़रूर ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही निकलेगा, क्योंकि अक्सर लोगों को देखा गया है जो भी तेज़ नमक खाने में पसंद करते हैं उनका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ रहता है। और जो लोग नॉर्मल हैं उन्हें कम से कम 6 ग्राम साल्ट खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती, लेकिन जब वो आप अधिक मात्रा में लेने लगते हैं तभी वो आपको नुकसान करती है। तभी ये भी मना किया जाता है कि बहुत ज़्यादा अचार, बाहर के आइटम्स, ये सब हम लोगों को नहीं खाने चाहिए। और बाहर के आइटम्स में भी वैसे भी मीठा, नमक, ये सब ज़्यादा होता है। तो वो कौन कौन से फूड हैं जिसमें नमक ज़्यादा होता है? जैसे मीट है, मीट को भी बहुत चटपटा करके बनाया जाता है, नमक मिर्ची तेज़ होता है उसमें। और फास्ट फूड हैं हमारे, फ्राइड आइटम हैं, समोसा, कचौरी, गोलगप्पे, चाट, टोमेटो, केचप, नमकीन, और कोल्ड ड्रिंक में भी सोडियम होता है, जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, सोचते होंगे कोल्ड ड्रिंक मीठी होती है। और तो आप ये सब चीज़ें जो मैंने बताई आप खा सकते हैं,
लेकिन अधिकता नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ों की अधिकता नहीं होनी चाहिए। जब भी हम किसी चीज़ की अति कर देते हैं वो चीज़ें, तभी हम लोगों को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। तो ये सब आइटम आप कभी कभी तो खा सकते हैं, लेकिन जो लोग डेली इसका प्रयोग करते हैं तो उनके शरीर में नमक की अधिकता हो जाती है और नुकसान तो करते ही करता है बाहर का आइटम, तो जैसे चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, तो ये सब आप लोग खाते हैं, लेकिन डेली ना खाएं। जो चीज़ आप डेली खाएंगे वही चीज़ आपको ज़्यादा नुकसान करने लगेगी। और कोई भी चीज़ खाएं तो आप लिमिट में खाएं, जब लिमिट आउट ऑफ लिमिट होते हैं वही चीज़ें आपको नुकसान करने लगती हैं। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा आपको, आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। और आप लोग में से भी कोई फ्रेंड्स अगर ज़्यादा नमक खा रहे हों तो प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करें और हल्का नमक खाने की कोशिश करें। ज़्यादा मीठा और ज़्यादा नमक हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि ज़्यादा नमक किस किस तरह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। आपकी अपनी मधु, रियल वन मधु ब्लॉगर। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।